दोस्तों सुरक्षा के लिहाज से बाइकर्स के हेलमेट बहुत ही जरूरी चीज होती है, क्योंकि एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में आपके सर को तो सेफ रखता ही है, इसके साथ ही ये कई बार आपको तेज धूप और हवाओं से भी बचाने का काम करता है। कुल मिलाकर देखें तो हेलमेट पहनना बहुत ही फायदे का सौदा है। इंडिया में रोड एक्सीडेंट में अलग अलग तरीके से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा है, इसीलिए बाइक राइड करते वक्त हेलमेट पहनना और भी जरूरी हो जाता है। ऐसा करने से किसी भी तरह के रोड एक्सीडेंट में आपकी जान बचने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतना काम आने वाला ये हेलमेट बनता कैसे है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। जहां तक भारत की बात है तो यहां दो तरह के हेलमेट बनाए जाते हैं, जिसमें पहला है प्लास्टिक और दूसरा है फाइबर। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने हेलमेट बनाने के लिए स्टैंडर्ड काफी हाई कर दिए हैं, लिहाजा इन्हें बनाने वाली कंपनियों की फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हें मजबूत बनाना होती है, जिसके लिए आज के दौर में एडवांस टेक्निक और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब जानते हैं हेलमेट बनाने के प्रोसेस के बारे में। तो इसकी शुरुआत होती है प्लास्टिक या फाइबर की बड़ी बड़ी शीटों को काटने के साथ। क्योंकि एक कंपनी में कई साइज के हेलमेट बनाए जाते हैं, इसलिए जरूरत के हिसाब से प्लास्टिक की शीट डाई की मदद से काट ली जाती है। फिर इन्हें मोल्डिंग मशीन में पिघलाकर हेलमेट की शेप दे दी जाती है और ट्रिमर मशीन की हेल्प से कई जगह से कट लगा दिए जाते हैं, जिसमें एयर वेंटिलेशन और स्ट्रिप लगाने के लिए जगह दी जाती है। एक हेलमेट को 3 लेयर में बनाया जाता है, जो इसे और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। इसमें सबसे पहली लेयर की बात करें तो ये पूरी तरह प्लास्टिक या फाइबर में से किसी एक मटेरियल की बनी होती है। वहीं इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है वो कार्बन फाइबर की होती है, जो लोहे की तरह मजबूत होती है और एक्सीडेंट होने पर आपके सिर के साथ आंख जैसी जरूरी ऑर्गन्स को बचाने का काम करती है। इसे भी पहली लेयर की तरह मशीनों की मदद से शेप दिया जाता है, ताकि आसानी से प्लास्टिक वाली पहली लेयर के अंदर फिट हो सके। इसके बाद जब ये बनकर तैयार हो जाती है तो इसके ऊपर व्हाइट कलर के केमिकल की कोटिंग कर दी जाती है, जिसे पहली लेयर के अंदर फिट कर दिया जाता है, जो अब थोड़ा थोड़ा हेलमेट जैसा दिखने लगता है। वहीं तीसरे लेयर की बात करें तो इसमें एक हेलमेट को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल बनाने पर जोर दिया जाता है, जिसमें लगने वाली फोम बहुत ही मुलायम होती है, जिसकी वजह से बाइकर्स को हेलमेट पहनना ज्यादा आरामदायक हो जाता है और ये गर्मी के मौसम में पसीने जैसी चीजों को सोखने का भी काम करती है। ये सभी काम पूरे होने के बाद इसमें आगे की तरफ लगने वाले ग्लास को भी मशीनों की मदद से बना लिया जाता है, जो फाइबर और प्लास्टिक किसी का भी हो सकता है। वैसे तो इस प्रोसेस में ज्यादातर चीजों को मशीन से ही बनाया जाता है, लेकिन सेफ्टी बैंडेज जैसी कुछ चीजें होती हैं जो कंपनी में काम करने वाले लोग अपने हाथों से खुद बनाते हैं। इसमें हेलमेट पर स्टिकर लगाना, कलर करने से लेकर सेफ्टी बैंडेज बनाने तक का काम हाथों से ही किया जाता है। जब हेलमेट से जुड़ी सभी छोटी छोटी चीजें तैयार हो जाती हैं, तो इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है, और जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो इसे शाइनी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस पर स्प्रे की मदद से एक तरह का केमिकल डाल दिया जाता है। अब इन हेलमेट की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए इन्हें उस रूम में भेजा जाता है, जहां रोबोटिक तरीके से इसके हर पार्ट्स को मजबूती से चेक किया जाता है। सब कुछ ठीक रहने पर इसे मार्केट में बेचने के लिए इन्हें बॉक्सेस में रख दिया जाता है, जहां से ये कई स्टोर्स और रिटेल शॉप पर चले जाते हैं। बता दें कि ज्यादातर कंपनियों में 1 दिन के अंदर 1000 हेलमेट ही बन पाते हैं। ये तो आपने जान लिया कि हेलमेट बनता कैसे है, अब जानते हैं हेलमेट शब्द कैसे बना। हेलमेट को कई शब्दों के पहले अक्षरों से जोड़कर बनाया गया है। इसमें एच का मतलब होता है हेड यानी सिर, ई का मतलब होता है ईयर यानी कान, एल का मतलब होता है लिप्स यानी होंठ, एम का मतलब होता है माउथ यानी मुंह, ई का मतलब होता है आई यानी आंख और टी का मतलब होता है टीथ यानी दांत। तो इस तरह से हेलमेट का नाम रखा गया है, जो शायद अब तक आप नहीं जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि आज के जमाने में यूज किए जाने वाले हेलमेट का एवोल्यूशन इंग्लैंड से शुरू हुआ था। उस जमाने में लोग हेलमेट का यूज किया करते थे, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि 14वीं शताब्दी में मिले सबूतों की माने तो वेल्स के राजकुमार ओवन ग्लाइडर को एक मुहर पर हेलमेट पहने दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग गाड़ी चलाते समय हेलमेट का यूज किया करते होंगे। ये तो हमने आपको बताया इसका इतिहास, अब बात करते हैं आज के जमाने में यूज होने वाले हेलमेट के बारे में। तो इस एडवांस्ड हेलमेट को बनाने की शुरुआत 20वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, जिसमें प्लास्टिक से बने स्पेशल हेलमेट बनाए गए थे। फिर इसके कुछ टाइम बाद एक अमेरिकी साइंटिस्ट ने एक ऐसा हेलमेट बनाया जो तेज झटके सहने में पूरी तरह से केपेबल था, जो खास तौर पर बाइक राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया था, जो बहुत ही जल्द लोगों के बीच पॉपुलर हो गया।
इसके बाद कई कंपनीज इस बिजनेस में जुड़ गईं और आज के दौर में हेलमेट सिर्फ सेफ्टी नहीं बल्कि फैशन और स्टाइल को ध्यान में रखकर बेचा और खरीदा जाता है। आपको बता दें कि स्टील बर्ड भारत की कंपनी है। इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। ये आज के समय में हेलमेट बनाने वाली सबसे पॉपुलर कंपनीज में से एक है और आज कई बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रही है। इसके हेलमेट ना सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि स्टाइलिश भी होते हैं, जो आपको मार्केट में 1,000 से लेकर 4,000 रुपए के बीच मिल जाएंगे। और यह सरकार के बनाए गए ISI के सभी स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। इस कंपनी ने लोगों के लिए कई ऐसे हेलमेट्स बनाए हैं जो हैंड्स फ्री जैसी तकनीक को सपोर्ट करते हैं। साल 2019 मैन मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट ना लगाने पर सरकार ने लगने वाले जुर्माने को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से कंपनी ने दावा किया था कि उसकी एक साल में 6 लाख रिकॉर्ड तोड़ हेलमेट बिके थे। दूसरे नंबर पर आने वाली वेगा भी भारत की कंपनी है। वेगा की इंडिया में पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में इसके 400 से ज्यादा स्टोर्स हैं। ये कंपनी अपने सस्ते कीमत पर हेलमेट बेचने के लिए मशहूर है। ये कंपनी आज के समय में अमेरिका, जर्मनी, इटली, नेपाल, थाईलैंड और बांग्लादेश में भी हेलमेट बेचती है। इसके हेलमेट भी आपको 1,000 से लेकर 3,000 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पर आती है स्टड्स, जो भारत की सबसे पुरानी हेलमेट बनाने वाली कंपनीज में से एक है। इस कंपनी को 1983 में फाउंड किया गया था। इसके हेलमेट आपको मार्केट में 850 से 2,000 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। चौथे नंबर पर बात करें रॉयल इनफील्ड की, जो अपने स्टाइलिश हेलमेट के लिए इंडिया में बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इस कंपनी को 1955 में फाउंड किया गया था। ये कंपनी बाइकर्स के लिए कई तरह के हेलमेट बनाती है जो 1800 से 10,000 रुपए के बीच में आपको मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट सही तरीके से ना लगाने पर चालान करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही अगर आप सड़क किनारे से खरीदे गए बिना ISI मार्क वाला हेलमेट खरीदते हैं तब भी आपका ट्रैफिक पुलिस 1,000 रुपए का चालान काट सकती है। वहीं बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट लगाना जरूरी होता है। ऐसा ना करने पर 1,000 रुपए और बार बार ऐसा करने पर 3,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों, आप कब से हेलमेट लगा रहे हैं? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।